तो दोस्तों, ये हमारे पास है 7297 IC वाली ऑडियो किट। इसमें 78.05 भी लगा है, 5 वोल्ट भी इसमें अवेलेबल है। तो टेस्ट करेंगे, तो इसके साउंड के कनेक्शन करते हैं दोस्तों। पहले ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो आईसी के आखिरी के दोनों छोर होते हैं, ये वाले जे एक साउंड के होते हैं, क्योंकि ये डबल चैनल की आईसी है। और जो इस छोर के दो पॉइंट हैं ये आईसी के, एक साउंड के ये होते हैं। इसमें पहचानना काफ़ी इजी है, तो इनको साउंड में लगाते हैं दोनों को। पास दो साउंड हैं 8-8 इंची के, 40-40 वाट के, 40 वाट की आईसी है। दोस्तों, मैंने एक बूफर में लगा दिए हैं तार, अब दूसरे में लगा देंगे। तो दोस्तों, ये वायर हैं जो ये काला वाला नेगेटिव है, और जो लाल वाला है जो ये 5 वोल्ट पॉजिटिव है। तो इसमें हम ब्लूटूथ चिप लगा के चेक करेंगे। दोस्तों, ये हमारे पास ब्लूटूथ चिप है। दोस्तों, ये ब्लूटूथ चिप है, इसका कनेक्शन करेंगे। इसको इस पे रखेंगे, तो ध्यान रहे इसमें उल्टे तार ना लगें। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ प्लस लिखा है, जहाँ नेगेटिव है वहाँ माइनस लिखा है। और इसमें 5 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट नहीं कराना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। तो ये मेरा पॉजिटिव तार है 5 वोल्ट वाला, इधर लगा देंगे। और ये नेगेटिव वाला है, तो ये माइनस में लगा देंगे। अब दोस्तों, 3 पॉइंट और बचे हैं। तो आईसी के जो इनपुट वाले लगाएंगे, इधर से दिखाओ, ये वाले इनपुट की वायर है ये। दोस्तों, ये इनपुट वाले वायर लगा देंगे यहाँ, ये लेफ्ट साइड का है, और ये बीच वाला ग्राउंड है, और ये राइट साइड का है। दोस्तों, इसका कनेक्शन हो गया कंप्लीट। अब ये वायर हैं जो 12 वोल्ट माइनस और 12 वोल्ट प्लस हैं। इनमें हमारे पास ये बैटरी है 12 वोल्ट 8 एम्पियर की, इसमें लगाएंगे। ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव। तो ये चालू हो गया है, इनको सीधा करेंगे।
और मोबाइल से कनेक्ट करेंगे इसको ब्लूटूथ चिप को। मैंने कर लिया है ब्लूटूथ चालू। दोस्तों ये आ गया है, इसका नाम बीटी डिवाइस, इसको कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ये कनेक्टेड हो चुका है, इसमें कोई म्यूजिक चलाएंगे। काफ़ी अच्छा आउटपुट निकालती है। आप लेने की सोच रहे हैं तो यही लें, 7257 आईसी वाला सर्किट बहुत अच्छा रहता है। 4440 आईसी में एक चैनल होता है, इसमें दो होते हैं। ये एक आईसी दो आईसी का काम करती है। 4440 दो लगाओगे तब इतनी आवाज़ आएगी, ये एक ही इतनी आवाज़ देगी, क्योंकि ये डबल चैनल की है और जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो आप यही लगाएं 4440 छोड़ के, काफ़ी अच्छा बोर्ड आता है, बड़ा भी आता है इसका डबल आईसी का, तो उसमें चार स्पीकर चल सकते हैं, इसमें दो चल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।